एक मिनट आराम यार, थोड़ा पेशेंस रखो। कोई मैं बिल्कुल एंड टेक के तुहाडे नाल गल करूंगा। देखो गल भगवंत मान ने अपनी प्यास बुझाई आ खैरे नूं अरेस्ट करके कर सकदा सीगा। आफ्टर ऑल चीफ मिनिस्टर आ गुलगोल, अज दी डेट विच पुलिस है, विजिलेंस है, अमला है, वो मेरे खून का तो प्यासा सीगा ही सीगा, आपां सब नूं पता वा। मेरे ते 3 FIR इस मुकदमे तो पहला भगवंत मान पर्सनल इंस्ट्रक्शन, स्वपन शर्मा जिहड़ा इस SIT का मुखी बनया ना, हुण इसे SIT बनाई गई एक, उहदा भी मुखी स्वपन शर्मा वा, उहनूं डिप्यूट किया गया चुन के कि खैरे नूं ठोकणा वा। ये बदलाव की राजनीति नहीं है मेरे वीरो, ये प्योर बदले की राजनीति आ। और ये ऑफिसर्स जिहड़े उहनां दे हथ ठोके बन रहे ने, जिहड़े यू नो आई एम वेरी सैडेंड दैट द पुलिस इज बिहेविंग लाइक पेड मरसिनरीज ऑफ द पुलिस ऑफ द गवर्नमेंट, पेड मरसिनरीज। जिदा आपां ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਬਾਏ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਬਾਏ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ। ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 5:30-6 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੀ ਸੀ। और फिर उत्थे मैं इन्हों कहा कि मैंने कोई वारंट है तुहाड़े कोल, दे हैव नो वारंट। फिर मैं इन्हों कहा, मैंने ED ने भी अरेस्ट किया, ED ने भी इंडिपेंडेंट विटनेस बुला दिते सी, मैनू कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं अलाउड। और उत्थों हुण कहिंदे ने जी कोई SIT ने रिपोर्ट बनाई है, 2015 का NDPS केस है, एक FIR नंबर 35, उस केस रिपीटिडली मैनू इंप्लीकेट किया जा रहा। पहला 2015 अकाली दल के खिलाफ सीगा, तो उदों उन्होंने मैनू इंप्लीकेट करने की कोशिश की, एक झूठा जिहा कॉल रिकॉर्ड बना लिया। मेरे हल्के का एक आदमी सिर्फ गुरदेव सिंह चेयरमैन, चंगा बंदा सीगा, भटक गया होगा वो, जो FIR हुई 2015 मैनू टैलीफोन कॉल कर लग गया। मैं उन्होंने कहा भी सगो, मैं गुरदेव हुण तू टैलीफोन ना कर, तू आप भी फसेगा तो मैनू भी फसाएगा। सिर्फ भराओ मीडिया वाले और पंजाबीओ, सिर्फ कॉल रिकॉर्ड, मैं 1.5 लाख आदमी का चुनिया, मैं ना सब का फोन चकदा वा और चकूँगा भी, सिर्फ कॉल के आधार के उत्ते मैंने NDPS वर्गे सीरीयस जुर्म के पहला बादलों ने, क्योंकि आई वॉज फाइटिंग दैम। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह राज जो राणा गुरजीत जरा यह मुछड़ जहा है, जो यू मैं कढ़ाया उस माइनिंग वाले केस चो, जो रेता बजरी जरा इन्हें खानसामे तो 25 करोड़ रुपया बेनामी बोली दी। फिर कैप्टन अमरिंदर के राही इन्होंने एक साजिश के तहत बकायदा पब्लिक प्रोसीक्यूटर वरत के, सरकारी अमला वरत के कोर्ट चो मैनू तलब करा लिया। इसे FIR 35 च मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सीगा, आ जिहड़ा भगवंत मान मेरे नाल बैठता हुंदा सीगा, मेरी सपोर्ट करता सी, इस FIR विच अमन अरोड़ा मेरे नाल बैठता सी, बलजिंदर कौर, कुलतार संधवा मेरे नाल, इस FIR नूं कहिंदे सी झूठी आ। और फिर मैनू सुप्रीम कोर्ट ने उस जिहड़ा अदालत ने समन किया 2017 च, इसे FIR 35 च मेरे समनिंग स्टे कर दिती। समनिंग स्टे रही क्योंकि लॉ पॉइंट सीगा कि दूजियां नूं सज़ा करन तो बाद जिहड़े बंदे दा FIR च नाम नहींगा, चलान च नाम नहींगा, जिहदे च रिकवरी कोई नहीं, जिहदा दोष कोई नहींगा, उहनूं अदालत समन कर सकदी आ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस दा बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उस बेंच ने इसे FIR 35 दे जिहड़ी समनिंग सी फाजिलका अदालत वालों उहनूं कोश कर दिता। और इसे ही FIR के आधार से BJP ने अपना गुस्सा कढ़िया, क्योंकि मैं युवापा के केस लड़ता सी, किसानों के अंदोलन में हिस्सा लेंदा सी, इसे ही FIR को आधार बना के मेरे से उन्होंने PMLA का केस बना दिता। हुण मैं तो हाई कोर्ट गया सीगा कि जब मेरी समनिंग कोर्ट की समनिंग ही खत्म हो गई है FIR 35 च, तो मैं तो हाई कोर्ट गया कि कोश कर दो सारा मामला। कोशिंग की मेरी 6 अक्टूबर डेट लगी हुई है फॉर स्टेइंग द प्रोसीडिंग ऑफ PMLA कोर्ट। इधरों उस FIR भगवंत मान जो मेरे नाल बह के सपोर्ट करता कुलतार संधवा ते अमन अरोड़ा, उसी FIR हुण इन्हां नूं मैं दोषी लगन लग गया, क्योंकि इन्हां दे कोल होर कुछ है नहीं सीगा। पहला जिहड़े परचे दर्ज किए उहदे च मेरी एंटीसिपेटरी बेल हो गई, तो हुण इन्हां ने मैनूं अरेस्ट किया उसे FIR। और सुनो बिल्कुल यही चार्जस, कॉल रिकॉर्ड सी जी, ड्रग मनी सी जी, सारा झूठो झूठ बना के, यही तो चलान मेरा ED का वा, यही 78 दिन 80 दिन मैं जेल कट्टी आ,
और हाई कोर्ट के जज साहब ने मैनू रेगुलर बेल ग्रांट की है इस ही इल्जाम च कैन यू पनिश अ परसन अगेन एंड अगेन फॉर द सेम क्राइम वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम्स आ साडे देश का इस वक्त पंजाब दे विच गुंडियां दा राज बदमाशां दा और ये अच चल रहा एस आई टी ने मैं अफसोस लास्ट मिनट एक मिनट एस आई टी ने मैं अफसोस है वॉट इज एस आई टी स्पैशल इनवैसटिगेटिंग टीम आ स्वपन शर्मा वह हैगा यद फर्ज नहीं बनता मैं इलैक्टिड एम एल ए थ्राइस फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन यू नोटिस भेजता मैं जानता मेरी गल तो सुन लेंदा मेरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरस का देख लेंदा मेरी हाई कोर्ट की बेल तो देख लेंदा बस किसी तरीके खून के प्यासे हुए थे लाइक आई सेड आई एम सैडेंट ऑफिसर्स लाइक स्वपन शर्मा हु हैव बिकम पेड मर्सनरीज ऑफ द गवर्नमेंट ये मैं दुख इस गल का वा इन्हों का कम नहीं गा इन्हों का कम है संविधान तो तनखाह लेंदे ने ये किसी भगवंत मान के जुत्ती चट नहीं बनना चाहिए इन्हों तो तनखाह नहीं लैनी चाहिए और भगवंत सुन ला तू चंगी तरह राज हमेशा नहीं रहिंदा एक सार ये राज परिवर्तन होगा असीं तां भुगत लईआं वा मैं जेल भी कई बार जाया मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह बड़ी बारी नैशनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल गए ने तू साडे नौजवानों नैशनल